बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। तो मैं अपने चैनल पर नए आने वाले लोगों को खुश आमदीद कहूँगी और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को और शेयर किया करें और अच्छे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी किया करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो आज कौन सी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, वो ये मैंने 1 कप ली है सूजी। सूजी के हम लोग स्नैक्स बनाएंगे टी टाइम के लिए। 1 कप के करीब सूजी ली है मैंने, 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 2 चुटकी के बराबर सूखी मेथी, इसी तरह चुटकी 2 चुटकी के बराबर हल्दी, 2 चुटकी के बराबर कुटी हुई सुर्ख मिर्च और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम काली मिर्च। पानी चाहिए होगा हमें बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर है, कोई इसको गर्म नहीं किया, कोई भी ना फ्रिज का लगा हुआ है ना गर्म है, बिल्कुल नॉर्मल पानी है ये। और उसके अलावा कुकिंग ऑयल जो है वो हमें चाहिए होगा। तो चले चलते हैं इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। सूजी, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, कुटी हुई सुर्ख मिर्च और काली पिसी हुई मिर्च, उसके अलावा हल्दी, कसूरी मेथी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप लोग चाहें तो सिर्फ काली मिर्च और नमक डालकर भी इसको बना सकते हैं। हल्दी डालने से यह कि इसके कलर में एक खूबसूरती सी आएगी। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगी। आपने देखा मैंने कितना थोड़ा थोड़ा सा पानी बिल्कुल इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं किया, बस 1-2 छींटे ही इसके अंदर मैंने लगाए हैं पानी के। बिल्कुल थोड़ा सा पानी का छींटा और लगाऊंगी और आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये स्नैक्स जो हैं। अगर आप लोग कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं यहाँ पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाएं और इसको गूंदें आटे की तरह। मज़ेदार सा हेल्दी सा स्नैक जो बच्चों बड़ों सबके लिए मुफीद, कोई भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है इसमें। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। हाँ जी, ये अच्छे तरीके से गुन चुका है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर पानी का छींटा लगा के तो इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। हाँ जी, अब तकरीबन 15 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। सूजी जो है थोड़ी सी फूल भी गई है, ठीक है, इसको फूलने के लिए टाइम चाहिए था, तो 10-15 मिनट का टाइम जो है वो काफ़ी होता है इसको फुलाने के लिए। अब फिर से मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक गूँधूँगी। तो मैं हल्का हल्का सा फिर इसको पानी का छींटा लगाती हूँ और फिर मैं इसको गूँधती हूँ। और ऑयल का बताना मैं आपको भूल गई थी कि ऑयल जो है इसमें कब हमने डालना है, जब बाकी की चीज़ें हम लोगों ने इसमें शामिल की थी तो ऑयल भी इसमें शामिल करना था। गूंदने के बाद मुझे, मैं जब इसे गूंद रही थी उस टाइम पे मुझे याद आया, तो मैंने इसको रेस्ट देने के लिए जब रखा था तब मैंने हल्का सा ऑयल लगा कर इसको फिर से गूंद लिया था। तो ऑयल आप लोगों ने लाजमी इसमें शामिल करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। आप लोग घी इस्तेमाल करना चाहते हैं घी इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसको मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पर लाकर फिर। ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएं कि उन्होंने तो ऑयल बताया था चैनल पर, हमारे पास तो ऑयल नहीं है, हम घी इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप दोनों चीज़ें ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए चीज़ें। देखिए अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट तक फिर इसको मैं गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी जो है हाथों को लगाती जाऊँगी। अब मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और चूल्हे के ऊपर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दूंगी। आपने देखा ये सिर्फ और सिर्फ सूजी है, इसके अंदर किसी किस्म की और चीज़ की मिलावट नहीं की। मिलावट से मुराद के आटा, मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लावर, कुछ भी इस किस्म का कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी ये कि मसाले जो उनसे इसमें शामिल किए गए हैं वो आपके सामने हैं,
उनमें से आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ आप नमक डाल लें, चाहे नमक और काली मिर्च डालकर इसको बनाएं, और जैसे मैंने ऐड किए हैं उस तरह से शामिल करना चाहें उस तरह से, लेकिन कसूरी मेथी लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब मैं इसको बेल लूँगी रोटी की तरह। जिस जगह पर आप बेलें हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए। इसको मैं मोटा मोटा सा बेलूंगी, ज़्यादा पतला इसको नहीं बेलना, लेकिन बेलना हमने गोलाई में है रोटी की शेप में। सारी साइडें इसकी जो है वो इक्वली हमने बेलनी है, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इसको मैंने बेल लिया है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी मोटाई में मैंने इसको बेला है। ठीक है, अब इसको मैं स्ट्रिप्स की सूरत में कटिंग करूँगी इसकी, इस तरह से एक जैसी पट्टियाँ होनी चाहिए। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमने इस साइड से कटिंग करनी है इसकी। ठीक है, ये देखें सारे पीसीस की इस तरह से कटिंग हो गई। अब मैं इसके पीसीस जो है वो उठाती जाऊंगी और उनका डिज़ाइन बनाऊंगी, डिज़ाइन बनाकर फिर मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये देखिए बड़े आराम के साथ एहतियात से इस तरह से उठाइए एक पीस। ठीक है, पीस उठाया, उसके लिए हमें एक फोक की ज़रूरत पड़ेगी। फोक को उल्टा पकड़ना है, उसके ऊपर इस तरह से रखना है पीस को और अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद फिर हल्का हल्का इसको फोल्ड करते जाना है हल्के हाथों से। इस तरह से इसका डिज़ाइन बन के हमारे सामने आता जाएगा। इसी तरह से मैं आपको एक और तैयार करके दिखा देती हूँ। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते जाएंगे, इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो ऐसे हमारे पास बनकर आती जाएगी। ये देखिए, अब मैं बाकी के इसी तरह से तैयार करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ चूल्हे के पास। हाँ जी, ऑयल मैंने आपको बताया था मैंने पहले से ऊपर रख दिया हुआ था गर्म होने के लिए, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा खासा गर्म हो गया। फिर भी एक दफ़ा से इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ऑयल हमारा गर्म है, मैं सारे पीसेस इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बड़ी एहतियात के साथ इसमें डालिएगा, ऑयल का कोई भी काम हो बल्कि चूल्हे का, तो बड़ा एहतियात के साथ। और इसको फौरी तौर पर अभी नहीं हिलाऊंगी मैं, एक बहुत ही मज़े के स्नैक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और बहुत ही इजी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताइएगा कि कैसे बने हैं। सारे के सारे स्नैक्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में। अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो आप मसाले जो भी इसमें ऐड करेंगे, नमक हो गया या मिर्चें, जो भी चीज़ ऐड करेंगी उसकी क्वांटिटी आप उस हिसाब से बढ़ा देंगी थोड़ी सी। हाँ जी, आपने देखा फौरी तौर पर मैंने इसको नहीं हिलाया। ठीक है, तकरीबन इसको 1 मिनट हो गया पकते हुए, फ्राई होते हुए। अब मैं इसको हिला कर देखूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से हर पीस अलग अलग सा है। इसको मैं अब थोड़ा सा उलट पुलट करूंगी और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूंगी। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और मैं इसका कलर भी आपको दिखाऊंगी कि ये देखें किस तरह से ये लग रहा है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। सारे के सारे पीसीज इसमें डालने, पहले आपने फ्लेम जो है वो आग जो यानी कि तेज़ रखनी है। पीसीज इसमें ऐड करने के बाद, थोड़ी देर पकने के बाद आपने आग जो है वो थोड़ी सी दरमियानी कर देनी है, हल्की नहीं करनी ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है। ठीक है, इनको हमने जलाना नहीं है और ना ही, क्योंकि बाहर से वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हमने इसको मीडियम आग पर फ्राई करना है।
हाँ जी, ये देखें इसका गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, आपने देखा कितनी आसानी के साथ हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी से स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये आप मेहमानों के सामने रखेंगे, यकीन करें वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाए हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं हमारे घर में, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश भी पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ जो है वो लेकर आती रहूँगी। तो हमें याद रखिएगा, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।